प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सिंपल मैनोमीटर के बारे में, जितने भी सिंपल मैनोमीटर्स के टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल मैनोमीटर। बट डिफरेंशियल मैनोमीटर से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिंपल मैनोमीटर पढ़े हैं उस पर जो भी बेस्ट न्यूमेरिकल या जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल मैनोमीटर पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को पढ़ना है तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, फिर हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, एक एक करके इसके जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जिसपे इसपे बेस्ट न्यूमेरिकल पूछता है सिंपल मैनोमीटर पे, देख लीजिए। पाइप है, इस पाइप में 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऑयल फ्लो कर
जहां से आपका इस यूट्यूब मैनोमीटर में सिंपल मैनोमीटर में जहां से आपका क्या हैवी लिक्विड भरा वहां से लेकर पाइप के सेंटर तक का डिस्टेंस 0.6 मीटर है, ठीक है। और इसी पॉइंट बी से जो आपका सिरा वायुमंडल की तरफ खुला है उस पॉइंट सी के और बी के बीच का डिस्टेंस 1.2 मीटर है, और यहां पे जो भी आपका लिक्विड भरा है क्या भरा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। और आपको पता है कि 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होती है, तो आपके हैंड में पारे की होती है। तो आपको बताना ए पर दाब कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए पर दाब निकालने से पहले आप क्या करेंगे, कहां पे दाब निकालेंगे, सी पर दाब निकालेंगे, सी पर दाब निकालेंगे, ठीक है। तो सी पर आप देख रहे हैं, सी पर आप देख रहे हैं ऊपर से कौन सा दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब का मान यहां पे क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लिखेंगे यहां पर सी पर, सी पर वायुमंडलीय दाब और ये बराबर होगा जीरो, कौन सा दाब होगा, गेज दाब। क्या होगा सी पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होगा, जीरो, और किस चीज की जीरो, क्या होगा, गैस दाब होगा। तो सी पे तो दाब निकले, क्यों, क्योंकि सी के ऊपर देखिए सीधा खुला है, ठीक है, किसी भी पाइप से कनेक्ट नहीं है। तो सी पर कौन सा दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब का मान लग रहा है, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होगा, जीरो होगा। तो आपका जीरो गैस दाब होगा किस पे, सी पे। अब आप निकालेंगे ए पर दाब, अब आप निकालेंगे ए पर दाब, क्यों, क्योंकि ए पर निकालना है आपको। अब यहाँ पे लिखेंगे आप ए पर दाब, और ए पर दाब बराबर आपका क्या हो सकता है, बी पर दाब, बी पर दाब माइनस इस किसका, ए पर माइनस ये डिस्टेंस इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 0.6 गुणे 0.9, ये हो जाएगा ए पर दाब बराबर बी पर दाब माइनस 0.6 गुणे 0.9। क्योंकि जब वाटर, जब इसमें ऑयल का फ्लो होगा क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमको ए पर बताना प्रेशर कितना होगा, इसके इस लिक्विड का दाब इस पे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो बी पर दाब माइनस ए पर दाब, ठीक है। तो ए पर दाब कितना होगा, ए पर दाब बराबर होगा बी पर दाब, यानी यहां का दाब माइनस ये डिस्टेंस इनटू इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे जो लिक्विड भरा है, यहां पे जो भी लिक्विड भरा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है इसके कंपेयर में, ऑयल के कंपेयर में। तो यहां पे ए पर दाब बराबर हो जाएगा बी पर दाब माइनस 0.6 इनटू 0.9। अब देखिए बी पर दाब कैसे निकालेंगे, तो बी पर दाब जो होगा वो होगा सी पर दाब प्लस सी पर दाब प्लस ये, तो सी पर दाब प्लस 1.2 इनटू 13.6 होगा, और ये हो जाएगा आपका 0.6 गुणे 0.9, ठीक है। अब देखिए, अब B पर दाब बराबर आपका क्या हो गया, B पर दाब बराबर क्या हो गया, C पर दाब प्लस, C पर दाब प्लस 1.2 इंटू इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.2 गुणे 13.6, ये हो गया आपका 16.3 माइनस 0.6 गुणे 0.9, ये हो गया 0.54। और जब आप इसको घटाएंगे तो 16.32 माइनस 0.54 ये आपका आएगा 15.7। ये किसके पदों में आ गया, तो पानी के पदों में, पानी के पदों, ठीक है। तो पानी के पदों में ए पर दाब कितना आ गया, 15.78 आ गया। अब आपको बताना है कि ए पर दाब कितना लगेगा, ठीक है। तो अब जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए पर दाब, ठीक है, अतः ए पर दाब ये बराबर हो जाएगा ए पर दाब, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर आपका हो जाएगा रो जी एच। अब देखिए रो का मान कितना हो जाएगा 1000, जी का मान कितना हो
एंड एच का मान कितना आ गया 15.7। ये आ गया आपका 154.801.8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना आपका दाब आ गया। अगर आप बताना चाहते हैं एक पाइपलाइन में प्रवाहित होते जल का दाब
जल का दाब मापने के लिए एक सरल दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। दाबमापी की दाहिनी भुजा वायु में खुली हुई तथा बाई भुजा पाइप से जुड़ी है तथा बाई तथा बाई भुजा बाई भुजा पाइप से क्या है जुड़ी। फिर कहना दाहिनी भुजा में पारे के स्तंभ का दाहिनी भुजा में पारे के दाहिनी भुजा में पारे के स्तंभ का ऊपरी पारे के कॉलम यानी कॉलम स्तंभ स्तंभ का ऊपरी अस्तर पाइप के मध्य भी अस्तर पाइप के मध्य भी पाइप के मध्य बिंदु पाइप के मध्य बिंदु के ठीक लेवल में के ठीक लेवल में कहाँ पे है कि ठीक लेवल में है। ठीक है कि ठीक लेवल में है तथा दोनों भुजाओं में पारे के अस्तरों में 125 mm का अंतर है। 125 mm का 125 mm का अंतर है। अब क्या कह रहा है पाइप में दाब जल शीर्ष के
पाइप में दाब जल, पाइप में दाब जल शीर्ष, दाब जल शीर्ष यानी वाटर हेड, वाटर हेड के पदों में ज्ञात कीजिए, के पदों में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए इस दाब को, इस दाब को, इस दाब को किलो पास्कल की इकाई में प्रदर्शित करें, की इकाई में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइपलाइन में प्रवाहित होते जल का दाब मापने के लिए एक सिंपल मैनोमीटर का प्रयोग किया गया। किस मैनोमीटर का प्रयोग किया गया? सिंपल मैनोमीटर का प्रयोग किया गया। कहां पे? पाइपलाइन में प्रवाहित होते जल के। ठीक है, अब क्या दाब मापी की दाहिनी भुजा वाई में खुली हुई है, यानी जो मैनोमीटर का जो राइट साइड है यानी दूसरी जो भुजा है वो वायुमंडल की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ क्या है? खुला होगा। तथा वाई भुजा पाइप से क्या कनेक्टेड है? ठीक है, यानी जो लेफ्ट भुजा है वो क्या है? पाइप से कनेक्टेड है। और दाहिनी भुजा क्या है? वायुमंडल में खुली हुई है। कह रहा है कि दाहिनी भुजा में पारे के स्तंभ का जो ऊपरी स्तर है पाइप के ठीक मध्य बिंदु में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसका फिगर बना देते हैं। आपका है 125 mm का अंतर। ठीक है,
पारे के दोनों भुजाओं में कितने का अंतर है? 125 mm का अंतर है। पाइप में दाब जल 6 के पदों में ज्ञात कीजिए और इस दाब को किलो पास्कल में भी प्रदर्शित कीजिए। पाइप में दाब, ठीक है। तो पाइप में जो दाब आएगा
वाटर हेड के टर्म्स में वो आएगा 1575 mm, कितना आएगा 1575 mm वाटर हेड के टर्म में क्या आएगा, पाइप में प्रेशर आएगा यानी ए पर क्या आएगा, दाब आएगा। अब आपको बताना है कि इस दाब को किलो पास्कल की इकाई में कितना होगा प्रदर्शित करना, ठीक है। तो अतः ए पर जो दाब होगा
पाइप में मापने के लिए एक YouTube दाब मापी लगाया गया है।
और फाइव में क्या हो रहा है? जॉब। ठीक है, फाइव में आपका क्या भरा है? जॉब। ठीक है, कितना हो गया? -238। तो आपका
पर विधान निकल गया और बी पर विधान निकल गया। बी पर विधान निकल, अब कहाँ पे निकालेंगे बेटा? अब ए पर दाब निकालेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ए पर दाब, और ए पर दाब बराबर आपका हो जाएगा बी पर दाब। ये डिस्टेंस इंक्रीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना? 0.8। बी पर दाब कितना आया? -238। कितना? -238। और ये कितना आ गया? ये हो गया -12। इस तरह से आप देखें तो 238 और 12 कितना हो गया? 0.52, यानी ये हो गया आपका -250 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो कितना आ गया सेंटीमीटर? ये ए पर आपका दाब और किसके पर दोगे? पानी के। पानी के पदों में कितना दाब आया ए पर? ए पर आप -250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पाइप में द्रव दाब ज्ञात करना है, तो पाइप में तो ये तो वाटर के टर्म में, अगर पूछा दाब कितना हुआ पाइप में, तो आप कहेंगे कि ए पर दाब या पाइप में दाब वाटर के पदों में निकला -250 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लीजिए, मतलब ए पर दाब ये बराबर होगा 2gx, रो का मान हो गया आपका 1000 × 9 × 0.8 × h का कितना हो गया? -250/100। यही तो हुआ, तो कर लीजिए। अब तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना आया? ये आपका है -24.525 किलो पास्कल, ठीक है। ये जो माइनस, अब आप कहेंगे कि ये माइनस में आया, यहाँ पे जो आया है वो हमने यहाँ पे, अब आप ये कहेंगे कि ये माइनस में आया, तो माइनस क्या शो करता है? तो याद करिए, हमने आपको शुरू में बताया था कि जब कोई प्रेशर आप वायुमंडलीय प्रेशर के नीचे मेजर करते हैं उसे या तो हम क्या बोले, या तो उसे हम निर्वात दाब कह सकते हैं, या तो हम उसे ऋणात्मक दाब कह सकते हैं। तो एक तरह से ये ऋणात्मक दाब है, तो ऋणात्मक दाब को ही हम लोग बोलते हैं निर्वात दाब। ऋणात्मक दाब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात दाब। तो ए पर जो दाब आया है वो 24.525 किलो पास्कल निर्वात दाब आया है। कितना आया है? माइनस जो आया है वो माइनस क्या शो कर रहा है? ऋणात्मक दाब को शो कर रहा है, यानी निर्वात दाब को शो कर रहा है। तो ए पर जो दाब आया वो 24.525 किलो पास्कल कितना है? निर्वात दाब है, जो कि हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन चाहते हैं, हमें लिख ले निर्वात। ठीक है, निर्वात है, नेगेटिव क्या शो कर रहा है? निर्वात दाब को शो कर रहा है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है क्या? निरपेक्ष दाब। निरपेक्ष दाब बराबर का वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। याद करिए, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, तो निरपेक्ष दाब निरपेक्ष
का बराबर होता है वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात। ठीक है, अब देखिए जो वायुमंडलीय दाब है वो मैंने आपको बताया था पहले, वायुमंडलीय दाब का मान जो होता है वो होता है 108.325 किलोपास्कल। हमने आपको बताया, याद करिए चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो 101.325 किलोपास्कल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 101.325 माइनस निर्वात दाब यहाँ पे आया कितना आया 76.8 किलो पास्कल, और यही आपका क्या होगा। तो इस तरह से आपका निरपेक्ष दाब एब्सोल्यूट प्रेशर पाइप में कितना हो गया 76.8 हो गया, और आपका पाइप में द्रव दाब कितना हो गया 24.525 हो गया, ये आपका निर्वात दाब। इस तरह से आप पाइप में एब्सोल्यूट प्रेशर और प्रेशर का मान कितना होगा आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपके ये भी न्यूमेरिकल आपका क्या होगा सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पाइप में हम लोग प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर का मान हम लोगों ने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम और बनता है, हम उसको भी देख लेते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, कोई पाइप पानी से पूरा भरा हुआ है, कोई पाइप, कोई पाइप पानी से पूरा पाइप पानी से पूरा क्या हुआ है भरा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है, इसमें पानी 10 किलो पास्कल के दाब पर प्रवाहित हो रहा है। इसमें पानी, इसमें पानी 10 किलो पास्कल दाब से प्रवाहित हो रहा है। यदि पाइप में एक दाब मापी नली लगाई जाए तो लगाई जाए तो इसमें पानी कितना ऊंचा चढ़ेगा,
इसमें पानी कितना ऊंचा चढ़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।